जी हाँ, अभी हम जानेंगे डेसिमल, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम देख के तुरंत कैलकुलेशन करेंगे और बता देंगे जो ये कितने डेसिमल तक जाएंगे, यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कुछ जैसे ये देखें, ये सवाल अब नज़र आ रहा है, इसका हम तुरंत इसको बता सकते हैं जो दशमलव के कितने अंक तक ये जाएंगे या ये रिपीटिंग है। सबसे पहले हम दशमलव का सबसे सुंदर डिफिनेशन दे सकते हैं, जो रैशनल नंबर को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, जो पी बटे क्यू के फॉर्म में हो, पी एंड क्यू इंटीजर है, पी एंड क्यू इंटीजर है जो नॉन नेगेटिव होगा डेसिमल के केस में। ये पी बाय क्यू जो है, इसमें पी न्यूमिरेटर हुए और क्यू डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा क्यू, ये 2 पावर m गुना 5 पावर n। m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 8 से। ये डेनोमिनेटर इस फॉर्म में जो होगा, दशमलव के कुछ अंक तक उसके मान सॉलिड निकलेंगे। जैसे और पी बाय क्यू रैशनल नंबर जो है, ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में पी बाय क्यू होना चाहिए, इसको हम देख लेंगे। मतलब इसका कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर यानी SCF 1 होना चाहिए। हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे एक नंबर में हम देखते हैं 17/8। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल का हम सबसे सुंदर डेफिनेशन देते हैं, जिसका डेनोमिनेटर 10, 100, 1000। सिंपली ये डेनोमिनेटर हो तो अब इसको देखते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 5। इसको हम करेंगे तो इसका हो जाएगा ये, इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा ये, इसको करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन हो जाएगा ये। सो देखिए कितना सुंदर है, जो भी डेसिमल नंबर होगा और वो रिपीटिंग नहीं है तो उसका डेनोमिनेटर यही होगा। रिपीटिंग भी है तो भी जहां हम अंत लेंगे तो उतने शून्य तक जाएंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट कितना बड़ा, डेसिमल वही है जिसका डेनोमिनेटर 10 के पावर में हो। जी अब हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं, इसको हम पी बट क्यू, इसका क्यू डेनोमिनेटर 8 है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, काट नहीं सकते, ये को प्राइम है। अब हम देखते हैं 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो अब ये देखिए 17 पावर 2/3 और 5, 0, 1 हो गया। तो ये
इसका अर्थ हुआ जो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है। अब कितने अंक तक इसके डिसिमल आएंगे उसको तुरंत हम निकाल सकते हैं, इसको 100 के फॉर्म में हम ले आएंगे। हम जानते हैं देखिए 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है, तब 100 के या 10 पर पावर के रूप में आता है। तो इसको सबसे पहले हम देखिए 17 बटा 2 पर पावर 3 है, यहाँ हम 5 पर पावर 3 कर दिए, गुना 5 पर पावर 3 कर देंगे, इसका अर्थ है डेसिमल 3 अंक तक आएगा, 3 डिजिट्स आएगा डेसिमल। आप देख लें, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 2125 आएगा और ये 1000, तो ये आपका हो जाएगा 2.125। 3 अंक तक आया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल से देखते हैं, 10/3। तो इसमें हम देखते हैं जो इस फॉर्म में डेनोमिनेटर नहीं है, इस फॉर्म में डेनोमिनेटर नहीं है और ये रैशनल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग होगा, 3.333 ये रिपीटिंग होगा। चूंकि रैशनल नंबर है तो रिपीटिंग होगा, तभी तो रैशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये 3.3 रेकरिंग, और ये चूंकि इस फॉर्म में डेनोमिनेटर नहीं है। अब हम यहाँ से इस एग्जांपल्स को हम देखें, इस एग्जांपल्स को देखने के उपरांत हम बहुत हद तक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो सकता है। ये टेंथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और टेंथ क्लास में प्राय पूछे जा सकते हैं, और ये थ्योरम है जो हमने बताया, पी बाय क्यू, और क्यू जो है वो 2 पर पावर एम गुना 5 पर पावर एन, और एम एन इंटीजर्स है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल्स को हम देखते हैं, 13/3125 है, तो इसको हम 13/, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 3125 को है, इसमें हम 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11 3 से नहीं लगेगा, इसमें 5 से लगेगा, 5×30, 1×5=10, 2×5=25, फिर 5 से 5×5=25, फिर 5 से 5×10=5, ये हुआ। इसके बाद 5×10 ये 5 एक बचा तो 5×10 फिर 2 बचा 25, फिर यहाँ हो जाएगा 5×10 2 बचा 25, यहाँ 5 25, यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पर पावर 5। तो ये भी आपका डिनोमिनेटर 13/2×0×5 आ गया। तो ये इसका ये जो है क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब कितना तक आएगा इसका, ये हम इसे देख लेते हैं, इसका 5 अंक तक आएगा। चूंकि हम जानते हैं जो 2×5 और 5×5 देंगे तभी आता है, ये नियम है, 2×5×5 देंगे तो 1×1, 2, 3, 4, 5 ये आएगा। तो हमको 100 के मतलब 100 के पावर में लाना है, तो इसको हम 13×2×5 से गुना कर देंगे, यहाँ हम फिर नीचे भी 2×5 से पावर करेंगे, फिर 5×5। तो ये अब हम देखते हैं हमारा आ जाता है ये 5 अंक के बाद
डेसिमल आएगा 0.00416। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच अंक आया, पांच अंक में डेसिमल गया। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, 17/8 तो हमने देख चुका है, और इसी तरह से ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसको आप बनाएंगे। इसमें एक एग्जांपल ये देख लिया जाए, 6/15। हाँ, इसमें देखें, इसी कारण हमने इसको उठाया है जो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 6/15। इसको हम काट के सबसे पहले को प्राइम बना लेंगे, तो 6/15 जो है ये, इसको हम जब काटेंगे तो 3 × 6, 3 × 5, 15 यानी 2/5 ये को प्राइम में आ गया पी वाई क्यू के फॉर्म में, और पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम है, जिसका हाईएस्ट कॉमन डिवीजर यानी SCF 1 हो। और सीधा सीधी अगर कहें तो काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो ये 2/5 है, तो ये 2/5 है, तो इसको कितने डेसिमल 2/5 आएंगे, तो 5/1 है, तो इसका हम 2/1 करेंगे, ऊपर में भी 2/1 से गुना कर दिए, यानी 4/10, यानी 0.4। थैंक्स।